जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया तो हो गया हमसे आगे, तो अब हमने अपना रवायती हरीफ अफगानिस्तान को बना दिया। और अफगानिस्तान ने भी जो हमारी पिटाई की है उसके बाद पाकिस्तान टीम के बाद उसके ऐसे धमाके उड़ा दिए थे, होश उड़ा दिए। और जितने भी ये शैम्पू शैम्पू वाले प्रोडक्ट वाले हमारे प्रमोशन करने वाले थे शापर शुपर, वो सारे साइड पर हो गए। इस टाइम प्लेयर्स के नाम पर रेलू कट्टे ले गए, और रेलू कट्टे जो है उन्होंने बस ऐसे दोनों तरफ से, कभी पता चलता है कि बैट्समैन है, कभी पता चलता है बॉलर है। जब बैटिंग कराने लगते हैं तो फील होता है कि बॉलिंग अच्छी करेंगे, और बॉलिंग कराते हैं तो लगता है कि बैटिंग अच्छी करेंगे। जिस तरह ये बातें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसी तरह उनकी जो बैटिंग लाइनअप और प्लेयर कहना या क्रिकेटर कहना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सारी ऑडियंस हंस रही है बहुत बुरे तरीके से। पाकिस्तान टीम की बदनामी हो रही है और ख़त्म टाइप टीम लेके गए हैं। यारी 11 के नाम से मशहूर हो रही है, मोहम्मद आमिर और जो कि हमारे टॉप प्लेयर थे उनके तो ये लेके ही नहीं गए, इमाद वसीम को भी लेके। क्रिटिसिज्म अलग था, बाबर कहना था कि जवाब देंगे ग्राउंड में, तो ग्राउंड में ऐसे जवाब देते तो भाई इतना डिफिकल्ट, इससे अच्छे जवाब तो हम बगैर पेपर याद किए दे देते हैं। अगर हम खाली पेपर पे भी पहुँच जाएँ तो MCQs टिक कर लेते हैं, एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ ऐसे भन मार लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अगर हम बगैर पेपर प्रिपेयर करे भी जाएँ तब भी कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कंडीशन है कि इनके सवालों के जवाब ऐसे थे, मुझे नहीं पता था कि ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिलती जुलती है। प्लेयर जाते हैं अपने एवरी सेट करते हैं और आवाम को झंडा दिखा के स्वैच चले जाते हैं। झंडे में जो डंडा है वो आवाम को दिया गया, और बाकी जो ग्रीन है वो इनका है, और वाइट जो है वो बेचारे वो लोग हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट ही नहीं करते। तो बेटर है भाई क्रिकेट को सपोर्ट ही ना करो, बंद कर दो, क्योंकि एटलीस्ट सैड होने से बेहतर है। और अफगानिस्तान ने जिस तरह से चपेड़े मारी हैं उसके बाद ये है कि हमें एटलीस्ट अगली टीमों के लिए ये चांसेस हो गए हैं कि हम ना देखें उनका मैच, ईजी हो जाएँ, चिल हो जाएँ, बिल्कुल हमारे वर्ल्ड कप खत्म है, हम बाहर हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया से भी हार गया, अफगानिस्तान से भी हार गया, दोनों से लड़ाई तुमने तीन चार्ज होनी था। तो इसका क्या मतलब है कि बाकी जितने भी ले गए और रेलू कट्टे उन्होंने परफॉर्म ही नहीं करना था, लेकिन उनका भी अब अलग ही सीन है। कोई कह रहे यारी दोस्ती 11 में कहना था कि वो बाबर आजम को बॉबी किंग्स या इस तरह कहते हैं किंग कर लेंगे। किंग क्या करेंगे, ये करना था ये, तो भाई इससे बेटर तो हम वहाँ कर लेते हैं जिस जगह का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं। हमारे किंग जो हैं इसने अजीब तरह की अपनी जो सल्तनत बना रखी जिसमें सिर्फ यार दोस्त वजीर मशीर हैं, और उसके बाद वजीर मशीर भी ऐसे जो कि बिल्कुल दिमाग से खत्म है, और ऐसी हुकूमत ज़्यादा नहीं चलती, चपेटें पड़ के गिर जाती हैं। जब किसी अच्छे बात से टक्कर होती है ना तो प्रॉपरली चपेट पड़नी है, और जो पड़ गई है वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप भी जितने जितने बड़े टूर्नामेंट होते हैं इनमें इसकी बस हो जाती है, लोकल टूर्नामेंट में खेल लेते हैं, परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है किंग अच्छे खेलते हैं, बट ऐसी हरकतें जो हैं इनसे बाद आ जाना चाहिए, यारी दोस्ती 11 से बाद आ जाना चाहिए। और किंग का जेड लगाने से या बाबर्स या बाबर किंग्स कहने से कोई परफॉर्मेंस नहीं हो जाती। इधर एक इंडिया किंग है जिसने पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया विराट कोहली, जिसके साथ हम कंपेयर करते करते मर गए, और अब रियलाइज़ हुआ है कि ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह ही है, मतलब कि सिर्फ इश्तिहार वगैरह ही नज़र आते हैं और परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। और इनकी भी ऐसे ही है जैसे हुकूमत हम पे लगाई जाती है ना, इस टाइप ऐसे ही बन जाती है, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं होती। इस टाइप की टीम भी ऐसी गई है कि हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, हमें उठा के भेज दें इन्होंने शापर छुपर, जो अपनी मर्ज़ी के थे पाकिस्तानी हम तो चाहती नहीं थी ये टीम जाए, लेकिन ले गए हैं। तो भाई सवालों के जवाब एटलीस्ट जो देने थे वो तो दें, पता नहीं कब देंगे, या शायद यही जवाब थे जो हम ही परेशान हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि एकदम परफॉर्मेंस आएगी, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप उठाएंगे, एवरी टीम से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे थे हम। खैर आज की यहीं तक थी चपेट, उम्मीद अब पसंद आई होगी पाकिस्तान टीम को। ऐसे हमें शापर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि पाकिस्तान टीम को देखने से हम अपना कोई अच्छा काम करने लगे। पबजी तो भाई जाइए आप भी कोई नहीं काम कर लीजिए, अच्छी कर लीजिए, वर्ल्ड कप देखने से बाद आ जाएँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा और टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी हमारा भी।